वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल, वधाई जमनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों, वाइस सो मान होता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साथ है। आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, और आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, और नहीं तो झूठ बोलकर गुमराह करना तो मुर्दे और महामूर्ख, और झूठ बोलना वो भी जानते जो कहते हैं जिनको शैतान भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक हमारा आज का कि मोटापा जो इंसान को आता है तो मोटापा कैसे कम होगा। पहले तो ये जानना चाहते हैं कि मोटापा कैसे आता है, तो उसमें जानते हैं डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जो एनी कॉलेज है मुंबई से, और डॉक्टर कवलजीत सिंह जी हैं ये पंजाब से, और एकता अरोरा जी ये मेरा पंजाब से है। तो आप तीनों का स्वागत है जी हमारे वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है, सत श्री अकाल जी सब तीनों को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु बताए जी। सीधे सवाल पर आते हैं हम, तो अनी कोहली जी बताए कि मोटापा इंसान को क्यों आता है, किस कारणों से मोटापा आता है इंसान को। मोटापा आने का एक नहीं कई कारण होते हैं। मोटापा मतलब आता है अगर आप पहला, कभी कभी किसी को जीन से आता है, किसी की फैमिली में डीएनए से ही आ जाता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ बुरा खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर स्टिल मोटापा है, वो जीन से आता है। दूसरा मोटापा है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आप क्या 24 घंटे खा रहे हो अपना आलतू फालतू, जिसे कहते हैं फास्ट फूड, जंक फूड, मैदे खा रहे हो, डीप फ्राई खा रहे हो, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, तो भी मोटापा आ जाता है। तो ऐसा नहीं आप जंक फूड खा रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका भी कोई मतलब खास नहीं बनता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वही बात वहीं पे आ जाती है कि मशीन में आपको इंजन को तेल तो अच्छा ही डालना पड़ेगा, पर आप कचरा डालोगे उसमें मिक्स करके, तो मोटापा के साथ साथ फिर और जब बीमारियां होती हैं मोटापे की, वो भी मोटापा तो आता ही है, और उसके साथ साथ मोटापे की जो उसको जो मोटापे को के साथ जो बीमारियां जो है वो भी, दूसरी हार्ट की हो गई, किडनी की हो गई, और बीमारियां भी साथ में ही आ जाती हैं। तो हमें करना ये है कि जैसे ही अपने को लगे कि मेरा वेट थोड़ा 1-2-4 किलो ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसके में एक्सरसाइज शुरू करो, अपना खाना पीना सुधारो, ताकि वो आगे ना बढ़े। नहीं नहीं इसका है ना इलाज में बाद में पूछूंगा, पहले इसका हम पूछ लेते हैं क्यों होता है, कैसे कहाँ से आता है, क्या कारण है, फिर इलाज में पूछूंगा। मैंने शिक्र कर रखा प्रोग्राम की मोटापा खत्म कैसे होगा, तो डॉक्टर कवलजीत सिंह जी आप बताएं इसके बारे में, मोटापा का जो कवलजीत ने बताया इसके कारण और भी है कि यही कारण है मोटापा आने के। सर मोटापा आने के कई कारण है, जैसे मैडम ने बताया गलत खान पान से, ठीक है, जैसे हमारे आजकल बच्चों में जो है खान पान की बहुत वो हो रही है, मतलब जंक फूड खाते हैं बच्चे। आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों को माता माता जो है उनकी माता जो है वो सुबह दोपहर शाम दिन में मतलब 3-4 बार दूध पिलाते हैं, ठीक है। जिस जानवर का वो दूध होता है उसके बच्चे के लिए तो ठीक है, क्योंकि जानवर का बच्चा तो 1 साल की ग्रोथ में बहुत बड़ा हो जाता है, और इंसान का बच्चा जो उसकी ग्रोथ कम होती है जानवर के मुकाबले में। इसलिए अगर हम किसी जानवर का दूध बच्चों को पिलाएंगे तो उनका शरीर जो ज्यादा फूलेगा, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जो इंसान है वो सारी उम्र दूध पीता है, वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, दूधाहारी भी है। जैसे किसी जानवर का बच्चा जो है वो उसको हम छुड़ा देते हैं भी, अब ये बड़ा हो गया, अब ये घास खाएगा, पट्टे खाएगा, तो इंसान जो है वो सारी उम्र यही करता है। आपने देखा होगा जिन माताओं ने अपने बच्चों को ज्यादा दूध पिलाती हैं उनके बच्चे ज्यादा फूले होते हैं। नंबर 2 हो गया जंक फूड, अपना लाइफस्टाइल। बच्चे देखो रात को 12 से 2 बजे 12-2 बजे तक, 11-12-2 बजे तक वो अपना मोबाइलों पे लगे रहते हैं, सुबह 10-11 बजे उठते हैं। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो एकदम बदल गया है, और जैसे तला भुना खाना, नियमित ना खाना, बिना बिना भूख से खाना, ये सब जो है मोटापे के कारण है जी।
एक तक अरोरा जी आप भी बताएं इसके बारे में कि जो मोटापा बहुत सारे बच्चे मोटे मतलब बच्चे भी मोटे हो जाते हैं, और मोटापा क्यों किन किन कारणों से आते हैं जो उन्होंने बताया, यही कारण है या और भी कारण इसके अलावा? इसके अलावा एक कारण और भी है, मैम ने जो बताया वो भी स्पेसिफिक कारण ही है, सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने वो भी है। इसके अलावा आजकल जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बच्चे जो बच्चे रात को देर तक जागते हैं उनके हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से उनको मोटापा शुरू हो जाता है, क्योंकि रात को 12-1 बजे तक वो लोग जागते हैं तो इतनी बार उनको भूख लगती है, या तो वो भूख को कंट्रोल करते हैं तो गैस बनती है, अगर खाते हैं तो जंक फूड खाते हैं, मैगी खा ली, चिप्स खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो ये सब जो जंक फूड है वो मोटापे के कारण बनते हैं। देर से सोना और देर से जागना मोटापे का बहुत बड़ा कारण है। मतलब देर से सोना देर से जागना? जी मतलब देर से सोना देर से जागना जी बिल्कुल, 12 बजे सोए सुबह 8 बजे उठे या 10 बजे उठे, इसका मतलब ये है सर जब आप सूरज के उगने के बाद उठोगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको लगती है, अगर आप सूर्य के साथ नहीं तो उस समय के अंदर जागे 6 बजे 7 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए बच्चों को, लेकिन बच्चे तो 10 बजे से पहले 11 बजे से पहले उठते ही नहीं है, जब से लॉकडाउन हुआ था टाइम और भी चेंज हो गए, कुछ नाइट शिफ्ट हो गए हैं जॉब्स के, और एक मोटापे का कारण ये है कि मोस्टली लेडीज जो होती है वो क्या करती हैं कि कभी टाइम से खाना नहीं खाती, उनको क्या होता है भूख लगी है तो नहीं पहले ये खा ले पहले वो खा ले ये कर ले वो कर, तो उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, गैस हो जाती है, गैस होने की वजह से गैस जब ब्लड में जाना शुरू हो जाती है, एक्सेस हो जाती है तो वो ब्लड में जाती है और मोटापा पैदा करती है, मोटापे के साथ फिर और बीमारियां आ जाती है। तो अभी जब ने लेडीज का जिक्र किया, लेडीज का कोई मतलब जो है खाना खाने में खाने खा लेती है, लेडीज को समझाने का मतलब तो कई बार तो ऐसा देखा हमने कि आदमी दीवार में सिर पटक कर मार देना है तो उससे अच्छा तो ठीक है, वो मानती नहीं कहना कि लेडीज तो जिस चीज पर अटक रहे वो पोसेसिव होती है अपनी फैमिली के लिए, तो कहती है पहले हमारी फैमिली खाए, तो फैमिली को सोचना चाहिए ना कि नहीं आप साथ बैठ के खाओ या आप पहले खाओ, नहीं वो लोग कहते हैं कि आप खा रहे हो पहले हम खाए, जैसे लेडीज करती है पोजेसिव नहीं है ना, फैमिली पोजेसिव नहीं है उनकी जी, जॉब में वहां तो जी जी साथियों हम बताना चाहते हैं हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर, हमने लिंक भी शेयर किया है वहां पर, तो वहां से जो भी जुड़ना चाहता है कोई सवाल करना चाहता है मोटापा क्यों आता है क्या कारण है इसके, अभी तो कारण ढूंढ रहे हैं फिर इसको खत्म होने का भी राज ढूंढेंगे। डॉक्टर एनी कोहली जी बताएं इसके बारे में आप, के जैसे कि मीट खाते हैं लोग और बहुत सारे मीट खाने वाले भी मोटे हो जाते हैं और बहुत सारे साग सब्जी खाने वाले मोटे हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा DNA ये बहुत कुछ डिक्टेट करता है, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अगर मेरी फैमिली में मेरे बुजुर्ग हैं या आसे पासे जो भी हैं मेरे पेरेंट्स हैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं मदर की साइड से फादर, अगर वो लोग हैवी हैं तो हमें पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए खाने पीने, ये जो हार्मोन्स है ना दे प्ले अ बिग रोल, कई लोग कुछ भी नहीं खाते फिर भी एवी मोटे हैं, एमी मतलब हवा खा के ही मोटे हैं, वो उनके DNA का प्रॉब्लम है, DNA में ही उनके ऐसे जो है फैट आए हुए हैं, चीजें जो हैं वो जगह पे नहीं है, तो उसके लिए तो यही है कि वो शुरू से ही बच्चों को अपनी एक्सरसाइज ये वो कराना शुरू करें ताकि वहाँ से कम आगे जो बढ़े वो कम से कम ठीक बढ़े। हम जो है कुछ बीमारियाँ, ये बीमारी है एक्चुअली फैटनेस जो है वो बीमारी है, तो फैटनेस को सबसे पहले हमें फैट को तो कंट्रोल करना ही है, उसके साथ साथ हमने अपने अपनी जो दिनचर्या है उसको बड़ा व्यवस्थित करना है, टाइम से उठना है, जैसे अभी मैडम ने कहा बड़ी अच्छी बात कही है कि टाइम से सोना है टाइम से उठना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फैटनेस का दूसरा कारण है आपकी चिंता, अगर आपको कोई चिंता है आप अगर एक्सरसाइज कर भी ले हो कर रहे हो और लेथार्जिक होके जबरदस्ती पकड़ के कर रहे हो कुछ वो आपको फिर मोटापे की तरफ लेके जाएगी, सबसे बड़ी बात है चिंता मुक्त भी होना चाहिए ताकि जो भी हम काम करें खुशी खुशी करें और पूरी एनर्जी को लेके साथ करें, और जब एनर्जी जब शीन हो जाती है जीरो हो जाती है या कम हो जाती है तो मोटापा जो है उसका बहुत बड़ा कारण बन जाता है, बहुत बड़ा कारण है, उस मोटापे से आगे बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं फिर जी।
तो इसमें जो है ना, जो होटल कॉली आप बनाए इसमें कॉली सिंगली, जैसे मतलब डीएनए की बात कर रहे हैं, जिसके डीएनए में मोटापा है, जैसे मोटापा हो जाता है, कई की माँ तो माए तो बहुत पतली पतली होती हैं, कई के बाप मोटे होते हैं, कई की माँ जो है माँ और बच्चे मतलब उनके जो है बिल्कुल मोटे हो जाते हैं, माँ बाप पतले होते हैं, इसका कारण क्या है? वो बच्चों का खाना पीना। आप बोलो ना बच्चा, आप भी बताओ। अच्छा विचार तो रखो। नहीं नहीं आप अपने विचार रखो ना। नहीं आप बोलो प्लीज, बोलो प्लीज। अच्छा तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये, अभी देखिए मोटापे के भी टाइप है, मोटापा भी एक ही टाइप का नहीं है, मोटापे के टाइप है। किसी के बाजू बड़े मोटे हो जाते हैं, बाकी का शरीर पतला है, किसी के बाजू पतले रह जाते हैं, पेट पे मोटापा है, किसी के कमर पे मोटापा है, किसी के जो है टांगे, मतलब शरीर ठीक ठाक है लेकिन टांगे बड़ी मोटी हैं। तो मोटापा भी कई टाइप का है। तो मोटापे को जो अलग अलग टाइप जो है, या हमारी बॉडी के किस हिस्से से मोटापा बढ़ रहा है, हमें उसको चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है और उसका रीज़न जानना। रीज़न कुछ भी हो सकता है, हमारे अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जो पेरेंट्स में नहीं है लेकिन बच्चों में आ गई है, तो भी मोटापा हो सकता है। तो भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो गई, बड़ों को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उससे भी हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ से जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर प्रॉपरली नहीं जा रहा और जो गंदगी है वो अंदर जमती जा रही है, गैस हो रही है, तो वो सारे बहुत सारे कारण है। और बहुत टाइप का मोटापा है, एक ही टाइप का नहीं है। किसी का आप देखेंगे तो मैंने देखा है कि टायर बन जाते हैं बैक पे, मतलब पूरा लिटरली पीछे मांस लटका रहता है जी। तो उसका भी एक कारण है, उसका कारण होता है ज्यादा करके आपका सिटिंग पोस्चर। आपका पोस्चर अगर अपने लाइफ में ऐसे ढीला ढाला छोड़ा हुआ है तो आपके बैक पे टायर बनेंगे। तो आपको अपना जो है पोस्चर सुधारना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा अपनी बाजुओं को जो एक्सरसाइज करे वो ऐसे हाथ ऊपर कर करके करे, ताकि ये टायर के ऊपर जो है तो पूरा मतलब कंसंट्रेशन आ जाए बॉडी की। तो ये मोटापा सिर्फ पेट का ही नहीं है कि हमने बस, या किसी का पूरा शरीर ही फूला हुआ होता है तो उनको तो पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और किसी भी टाइप का मोटापा हो, किसी भी टाइप का मोटापा, आपको अपनी डाइट जो है आपको बहुत कंट्रोल करनी पड़ेगी। भूखा नहीं रहना है, पेट भरना है, न्यूट्रिशन से भरना है। सिर्फ पेट नहीं भरना कि मैं जलेबी खा ली, मैंने उठे मारी बिस्किट खा लिए, ये खा लिया, पेट भर गया ना, चलो मारी बिस्किट में कौन सा तेल है ना, अब ये मैंने कुछ ऐसे सुक्का सा खा लिया, नहीं। हमें उस डाइट सबसे बड़ी बात है, बड़ी बैलेंस्ड डाइट हमें खानी पड़ेगी। जी 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 तो बैलेंस्ड डाइट हमें देखना पड़ेगा। और गर्म पानी पीते रहना चाहिए, जिनको बॉडी में कहीं पे भी मोटापा है उन्हें ठंडा पानी नहीं पीना, बल्कि हर वक्त ल्यूक वार्म वाटर पीना है। सुबह उठें दो गिलास गरम गरम पानी के, अपना स्पिरुलिना खाए, ये जो भी कोई गिलोय लेता है, कोई नहीं लेता, कोई नींबू, ये जरूर। अच्छा नींबू पानी का बड़ा लोगों को ये है कि नींबू पानी और शहद डाल के ले लें, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जी जी बिल्कुल। मनदीप सिंह जी, मनदीप सिंह जी स्वागत है आपका, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु फतेह। हमारे टीम मेंबर है मनदीप सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। डॉक्टर कोहली जी आप बताएं, इसमें कमलजीत सिंह जी जैसे बहुत सारे बोलते हैं मीट खाने से मोटापा बढ़ता है, क्या सचमुच मीट खाने से मोटापा बढ़ता है? नहीं सर, ये बिल्कुल ठीक है। नॉन वेज जितने भी होते हैं उनको मोटापा ज्यादा होता है, क्योंकि उनको पेट जो है वो ज्यादा फूल जाता है। और नॉन वेज और तला भुना जो चीज खाने से, इससे मोटापा ज्यादा होता है। और जंक फूड जैसे बच्चे खाते हैं, इससे भी मोटापा ज्यादा होता है। जी डॉक्टर एकता जी, हम आप बताएं, इसके जो जो मीट खाने से मोटापा ज्यादा बढ़ता है, जिनके बिल्कुल पेट ही पेट खुला हुआ है, वो अपने पेट का क्या इलाज करें? इस बात को डिनाय करूंगी कि सिर्फ नॉनवेज खाने से पेट नहीं बढ़ता। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि नॉनवेज खाते हैं बट उनका पेट बड़ा नहीं होता है, और कई बिल्कुल वेजिटेरियन है उनका पेट बहुत बड़ा हुआ है। खाने के तरीके से
आप नॉनवेज खा रहे हो लेकिन वो कैसे खा रहे हो डिपेंड इस पे करता है। हाँ हफ्ते में एक दो बार खा रहे हो नहीं, कई लोग रोज खाते हैं, वो देखिए किसी भी चीज को एक्सेस यूज करोगे वो आपको साइड इफेक्ट देगा। अगर खाना या पानी में दो ग्लास के जगह तीन चार ग्लास एकदम से पी लूं तो वो तो नहीं डाइजेस्ट होगा ना। तो नहीं, जो रेगुलर खाते हैं ना, जो रेगुलर खाते हैं रोज खा रहे हो लेकिन हाँ कभी कभी खा रहे हो तो नहीं होता है। बहुत से लोग वेजिटेरियन है लेकिन वो सारा दिन कुछ ना कुछ वो सब्जियां भी और फ्रूट भी सारा दिन खाते रहते हैं, जूस पीते रहते हैं। अभी मेरी एक पेशेंट है वो उन्होंने सिर्फ आई थिंक जामुन और एक और जूस डेली बना के फ्रूट्स का पिया जो अभी थे, तो उससे उनकी शुगर बढ़ गई, वो मोटे हो गए। कोई भी चीज एक्सेस अच्छी नहीं है जी। मेरे कहने का मनदीप जी को सवाल करना चाहते मोटापे के बारे में कुछ। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जब हम मैं सुबह उठता हूँ तो गर्म पानी उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के मैं पीता हूँ, वो इसके लिए फायदेमंद है या नहीं है? मैं पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कोई भी डॉक्टर जवाब दे इस पर। गर्म पानी में उसमें मिक्स करके मैं पीता हूँ, वो अच्छी बात है या नहीं है, मेरे को ये बताया। हाँ जी मैडम बताइए। नींबू का खाली पेट नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, नींबू जो है वो अल्कलाइन नहीं है, वो एसिडिक है। तो खाली पेट कभी भी नींबू पानी नहीं, कुछ लेने के बाद अगर आप दिन में एक आध बार, ये नहीं कि पूरा नींबू दिन में एक बार लेना, एक नींबू के कम से कम चार पांच हिस्से करके, वो आप अगर एक नींबू एक हफ्ते में लेते हो तो ठीक है, अगर आप एक नींबू को पूरे निचोड़ के और उसमें वो शहद वहद डाल के लेते हो वो खाली पेट वो लेना ठीक नहीं है। नींबू बहुत हाईली एसिडिक है, यानी कि लेना ठीक नहीं है, हम बंद कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, लेना ले सकते हो लेकिन खाली पेट मत लो आप। हाँ। तो और बहुत थोड़ा दो चार ड्रॉप आपने अगर नींबू के रस के डाल लिए तो वो ठीक है, ज्यादा नींबू आप लोगे तो नींबू बहुत हाईली एसिडिक है। नहीं मैं इतने दो तीन ड्रॉप ही डालता हूँ मैं, बस दो तीन ड्रॉप गर्म पानी। हाँ हाँ वो ठीक है, बीच में हफ्ते में एक आध बार दो बार मिस कर दिया करा करो, रेगुलर मत लो ठीक है। रेगुलर उससे कोई नुकसान हो सकता है आपका कहना? नुकसान फायदा भी नहीं होगा, नुकसान चांसेस होते हैं नुकसान होने के, वो भी डिपेंड करता है आपके डीएनए के ऊपर, आपके बॉडी के। कई बार कहते हैं कि जो पाइन पानी में डाल के पीते हैं वो उसका भी कोई फायदा होता है, अजवाइन अजवाइन ठीक चीज है, अजवाइन भी ठीक, लेकिन अजवाइन का जो कॉन्स्टिपेशन कर देती है, अजवाइन तब लेना चाहिए जब लूज मोशन वगैरह हो रहे हो, या परांठे में डाल के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजवाइन जो है हार्मोन्स के लिए भी अच्छी है, अजवाइन जो टाइम वाटर में ली जा सकती है, जैसे उसको बाल के लिए। हाँ 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 ले सकते हो, पर वो भी ऐसा नहीं रोज अजवाइन खानी है, ऐसा नहीं होना है। हफ्ते में एक आध दो बार मिस कर दो किसी, क्योंकि बॉडी को कोई चीज ऐसी मत दो सिवाय पानी के और बेसिक खाने के अलावा, दाल सब्जी के अलावा ऐसी कोई चीज बॉडी को आदत मत लगाओ जिसके बिना फिर बॉडी जो है उसको बॉडी रिएक्ट कर बाद में, अगर जैसे कभी नहीं मिला तो आपकी बॉडी फिर रिएक्ट करेगी। ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी मत करो जो रेगुलर आपको करना पड़े, सिवाय पानी हो गया, आपका बेसिक खाना हो गया, दाल चावल रोटी जो है सबसे अच्छी है, तो रेगुलर जो है। हाँ हाँ करना चाहिए, मतलब जो जैसे जैसे आपका कोई अजवाइन खा रहा है, मैं तो अभी कई लोग सुबह उठ के गिलोय खाते हैं, ठीक है गिलोय भी रोज नहीं खानी चाहिए, वो भी रोज नहीं है। यदि हम फ्रूट खाते हैं, अच्छा फ्रूट खाते हैं, ज्यादा फ्रूट खाते हैं कहने का, उससे भी मोटापा बढ़ने के चांस होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रूट से तो आपके दांत बहुत बढ़िया रहेंगे। क्योंकि एप्पल वगैरह मेरा रूटीन होता है कि जब मेरे पास एप्पल होता है ना तो मैं दो तीन वो छील करके मैं कई बार खा लेता हूँ, मेरी आदत है, यदि मेरे को अच्छा लगे ना तो मैं एक दो के कोई फर्क नहीं। ये जो है ये नेचुरल डाइट है, ये स्टेपल, ये जो है ना एक्चुअली में ये हमारी स्टेपल डाइट में होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है आपके दांत, आपके मुंह, आपका आपको हर तरह से ये। और सबसे बड़ी बात है अगर आप फ्रूट ज्यादा खा रहे तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, आपकी ऑक्सीजन बनती रहे। और मैं आटे में अजवाइन वगैरह डाल के हम बनाते हैं, वो ठीक है, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम रेगुलर उसको यूज करते हैं।
वो कोई फर्क नहीं। अगर आप, हाँ देखिए अब फर्क है, आप रोटी में डाल के ज्वाइन ले रहे हो और पानी में डाल के आप एज ए मेडिसिन ले रहे हो, दोनों चीजों में फर्क है, दोनों में फर्क। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि आप हमारा टाइम जो समाप्त की तरफ जा रहा है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। हम ये पूछेंगे अभी मोटापा घटाएं कैसे, मतलब अगर नॉर्मल करने के लिए मोटापा जो होता है, डॉक्टर कमल जी सिंह कोलिया बताएंगे इसे मोटापे को कम करने के लिए, जो नॉर्मल हो जाए शरीर, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए आपको? सर मोटापा को कम करने के लिए एक तो खाने में, हर खाने में जो है वो गैप होना चाहिए कम से कम एक डेढ़ घंटे का। आप कोई भी फ्रूट खाते हैं, हम पंजाबियों में ये होता है भी कोई भी फ्रूट खाते हैं वो हम रात के खाने के बाद खाते हैं। रात को फ्रूट और दही बिल्कुल नहीं खाना है। फ्रूट का जो सही समय होता है सुबह 10 से 12 बजे के बीच में होता है, और हम शाम को भी कोई ना कोई सलाद खा सकते हैं। हम जितना अपनी डाइट में कच्चा भोजन रखेंगे, कच्चा भोजन खाएंगे, 60-70% अपनी डाइट का कच्चा भोजन हम लेंगे तो इससे मोटापा नहीं होगा। और सेकंड जो सबसे फ्री तरीका है मोटापा कम करने के लिए, अपनी हाइट के हिसाब से आप 3-5 लीटर तक आप पानी का सेवन करना है। पानी के सेवन करने की भी एक विधि है, आपने खाने के साथ खाने के 1-1.5 घंटा पहले और बाद में पानी नहीं पीना। अगर प्यास लगती है तो कोई भी गर्म चीज आप 100-150 ग्राम तक पी सकते हैं, दूध चाय गर्म पानी कोई भी गर्म चीज आप ले सकते हैं। और जैसे जैसे हम नहाना है, नहाने से पहले एक गिलास पानी पिएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक रहेगा। और अगर हम खाना दोपहर का खाना खाना, दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले आप 2 गिलास पानी पीना है, और पानी हमेशा बैठ के पीना है। अगर पैरों के पार बैठ के पानी पीते हैं तो ज्यादा बेटर है। और देखो आप कभी भी प्रैक्टिकल इसको करके देख लो, आप खाने से 1 घंटा पहले अगर 2 गिलास पानी पिएंगे सिप सिप करके घूंट घूंट करके, तो आपको नेचुरल भूख लगेगी, आपकी आंतड़ियों की बिल्कुल सफाई हो जाएगी, जो आप खाएंगे वो आपको डाइजेस्ट होगा। और आधा गिलास पानी जो है वो रात को सोते समय पीना है, जिससे हमारी हार्ट की जो सभी प्रॉब्लम है, रात को किसी तरह की घबराहट बेचैनी नहीं होती है। और पानी जो है सबसे बढ़िया सोर्स है, क्योंकि जितना हम पानी पिएंगे, हमको नहीं प्यास तब भी हम पानी पी लें, जितना हम पानी पिएंगे हमारी जो एक्स्ट्रा फैट है वो लैट्रिन पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अलावा हम जब भी कोई खाना खाते हैं, हैवी डाइट लेते हैं, उसके बाद आप 500-1000 कदम आपको चलना है, सैर करनी है। और रात को जो भोजन है वो कम खाना है, रात को भोजन कम खाना है। और सुबह सुबह हम भोजन मतलब सुबह जैसे पहले मैडम ने बताया भी खट्टी चीज सुबह, आप खट्टा कोई भी फल नहीं खाना है सुबह खाली पेट, जहाँ मतलब पानी वगैरह पीने के बाद खट्टी चीज कोई नहीं खाना। केला हम सुबह खा सकते हैं, पपीता का। अगर हम ब्रेकफास्ट जो है वो फल का करेंगे तो हमें टाइम देख के खाना नहीं है भी 2 बज गए हैं 1 बज गए हमने खाना खाना है। जब आपको नेचुरल भूख लगेगी, आप खा के देखो, आप फ्रूट खा लो रज के, मतलब सुबह रज के फ्रूट खा लो, केले खा लो, 3-4 केले खा लो, 2 खा लो जितना भी आपको है, तो उसके बाद आपको 11-12 बजे जितने बजे भी आपको अंदर से खो पड़ेगी भी मेरे को भूख लग रही है। जब आप नेचुरल भूख पे खाना खाओगे तो आपको सारा कुछ डाइजेस्ट होगा और खाना अपच नहीं होगा, मतलब आपको मोटापा नहीं करेगा। और जितना आप मैनुअल लेबर करते हो, अगर कोई नहीं मैनुअल लेबर करता है तो सुबह शाम आधा आधा घंटा अपने शरीर को जैसे व्यायाम योगा ये इसके लिए उसको टाइम निकालना चाहिए। जी डॉक्टर यानी कोहली जी आप बताएं इसके बारे में कि जैसे मतलब बहुत सारे जो लोग हैं मतलब ऐसे मोटापा तो कैसे कम होगा ये तो बताएंगे, लेकिन बहुत सारे जो है ना जैसे सब्जियां, बहुत सारी 3-4 सब्जियां होती है कई बार खाने में, और साथ में दही भी होती है, साथ में वो होल भी होता है, चावल भी होते हैं, सारे मतलब इकट्ठे मिला खा लेते हैं,
ये मतलब सही के सही भोजन है या गलत भोजन है, ये शरीर को? देखिए देखिए, अब खाने में आपके अगर कच्चा खाना है, रॉ फूड जिसे बोलते हैं, तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, नहीं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साउथ इंडियन, अब देखो निरे चावल खाते हैं, देखो तो सूखे एकदम ऐसा सिंगल पसली होते हैं, उन्हें उन्हें चावल क्यों नहीं नुकसान करते, उसका रीजन है वो लोग चावल हाथ से खाते हैं, हमारे हाथ की जो हीट है वो चावल के साथ चली जाती है। तो हम लोग हमारे खाने के तरीके हैं ना, हम खाना भी तो हमें, हम अगर बैठ के टेबल पे ऐसे खा रहे हैं तो वो टाइम खाना हमें खराब करते हैं। जितना आप जमीन पे बैठ के खाओगे, पेट को दबा के खाओगे, खाना जो है उतनी जल्दी डाइजेस्ट भी होगा और खाने के साथ हाथों की जो अपनी हमारी जो एनर्जी है वो भी साथ में जाती है। तो हम लोग तो सबसे पहले छुरी कांटे का इंतजाम करते हैं मेरे ख्याल में टेबल पे बैठने से पहले। मंदीप सिंह जी आज से स्टार्ट करें खाने में, खिचड़ी वगैरह है ना, रोटी चावल वगैरह जो आज से खाओ। मैं भी आज से खाती हूँ, मैं सुबह, मैं आपको बताती हूं मेरी बहुत सारे तो शहर में रहने वाले गंदे, ये तो ये पुराने जमाने के हैं बुड्ढे जो हाथ से खा रहे हैं। दूसरा जो है नहीं पुराना, देखो जी मैं सुबह अब स्प्राउट लेती हूँ, ठीक है, स्प्राउट के बीच में मैंने खीरा डाला हुआ है, अनार डाला हुआ है, बीटरूट डाला हुआ है, टमाटर डाला है, यही रॉ हम सुबह सुबह मेरा यही ब्रेकफास्ट है पूरा। जी जी जी, बस लास्ट में बता दीजिए कि इसमें मतलब मोटापा कम कैसे होगा इसमें, एक मिनट। ये अगर आप अपना एक फूड आप रॉ कर दीजिए और एक्सरसाइज करिए, ये एक शॉर्ट मैं बता रही हूँ, एक फूड अपना, चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो चाहे कुछ, एक फूड आप अपना टोटल रॉ कर दीजिए, उसको पकाना हुआ नहीं खाना, अनाज नहीं खाना, आपका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जी जी, डॉक्टर एकता जी आप बताएं इसमें मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है ताकि लोग चैन की नींद सो सके और सुबह सुबह आराम से उठ सके, जैसे मनदीप सिंह जी सुबह से उठ जाते हैं ऐसे हैं जी। अभी मैम ने जो बोला कि एक जो आपका फूड है उसको रॉ कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, रॉ फूड खाने से बहुत जल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, रॉ फूड में फाइबर ज्यादा अंदर रहता है तो मोशन ठीक रहते हैं, मोशन ठीक होंगे तो पेट कम होगा। और हम ये कहेंगे कि रात को दही चावल दूध और दूध से बनी हुई चीजें ना खाएं, सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खाएं। ब्रेकफास्ट का सर ने बताया, लंच स्किप का मैम ने बताया, और नाइट का ये है कि आप कम खाना खाएं और खाने से सोने से 2 घंटे और दूध और दूध से बनी चीजें रात को मत लें। और पूरा जिनको जिनको फैटनेस है वो ल्यूक वार्म वाटर पूरा दिन, जब भी पानी पीना है वो ल्यूक वार्म वाटर पिए, वो घड़े का भी ठंडा नहीं पिए। रात को हो सके तो एक ग्रीन टी कुछ भी ले सकते हैं, कोई ही गरम आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन काली चाय दूध वाली चाय चीनी डाल के मत ले लो, चीनी और बहुत बड़ा फैट है। आप डेट्स खाइए, डेट्स बहुत अच्छे हैं, डेट्स बहुत अच्छे। ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी आप लोगों ने, अगर हम गए रात को सोने से पहले अब 2 घंटे पहले खाना खाए वो तो नींद तो खाना खाने के बाद ही नींद आती है, अगर 2 घंटे पहले खा ले तो नींद 2 घंटे पहले आ जाएगी, तो उसका क्या लाभ है? खाना डाइजेस्ट नहीं होता ना, आप हैवी खाना खा लेते हो, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। आप करके देखिए, उसके बाद थोड़ी सी सैर कीजिए, ग्रीन टी पीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी सर आपको, हम लोग ऐसे ही करते हैं। एक मान अगर ऐसे ही अपना मन बांधना पड़ता है, मैं 8:30 मेरा रूटीन होता है कि मैंने 8:30 खाना खाना है और तकरीबन 11:30 बजे तक मैंने घूमना है। अभी मैं ज्यादा नहीं तो 10,000 से ऊपर स्टेप जो है खाना खाने के बाद मैं घूम चुका हूँ और मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, मगर फिर भी मैं हट नहीं रहा हूँ, मेरा हट है पूरा कि मैंने करना है। यदि हम रूटीन बनाएंगे ना, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है और मैं करता हूँ, चाहे मेरा मोटापा कम हो चाहे ना हो, मगर मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि ऐसा मैंने कर, मेरा ये मानना है ऐसा जी। बस इसमें थोड़ा हमें उसमें थोड़ा टाइम का सेटिंग करनी पड़ेगा हम लोगों को भी। तो आज हमने की मोटापे बाद मोटापा कैसे कम होगा, आने वाले वक्त में जो है फोड़े फोड़ से निकल जाती है ना जो शरीर के अंदर, इस पर बात करेंगे भाई ये चीज कमी से निकलती है, क्या कारण है, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, ना निकले और क्यों निकलती है, जो होती है इसके ऊपर बात करेंगे। तो आने वाले वक्त में तो इस पे अगर इस टॉपिक पे करना है तो एक बात ये देख लें, हमेशा फोड़े फुंसियां बुरी चीज नहीं है। नहीं, वो बुरी चीज नहीं है, वो अपने शरीर की जो गंदगी है उसको लेके बाहर निकलती है। तो बात करेंगे ना भाई, गंदगी निकलती है या मतलब खून निकलता बंद है, तो बात करेंगे इसमें। तो डॉक्टर एनी जी और कंवलजीत सिंह जी और एकता जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद, और मनदीप सिंह का भी धन्यवाद,
आने वाले वक्त फिर बात करेंगे आप सभी से, तब तक के लिए इजाजत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का सत श्री अकाल।